नृत्य इंसान के उत्साह को प्रकट करता है। भारत में हमारे जितने भी देवता पूजे जाते हैं वे सभी नाचने वाले देवता हैं। नृत्य कई तरह से आपके संतुलन की परीक्षा है। इससे सिर्फ आपका शारीरिक संतुलन ही नहीं, आपका भीतरी संतुलन भी तय होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज आपसे एक सवाल पूछने का मौका मिला। सद्गुरु, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई नृत्य है जिसे औषधि नृत्य भी माना जाता है? क्या आप लोग नृत्य को एक ऐसी चीज़ मानते हैं जो उपचार कर सकती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार मिशेल, आपसे बात करके खुशी हुई। आप नृत्य करती हैं, मुझे आपको बताना चाहिए। मेरी बेटी जो 30 साल की हैं, बस अभी 30 की हुई हैं, वो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये नृत्य का एक बहुत ही जटिल और प्रगतिशील रूप है जो एक समय में बड़े पैमाने पर भारत के मंदिरों में पूजा के रूप में और भेंट के रूप में विकसित हुआ था, पर आज इसे मंच पर भी किया जाता है। तो क्या भारतीय नृत्य किसी रूप में हमारे अध्यात्म से जुड़े हैं? क्या उनसे किसी तरह का उपचार होता है, या क्या वे सिर्फ मनोरंजन के अलावा कुछ और दर्शाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सभी नर्तक, भारत के शास्त्रीय नर्तक, नृत्य को एक मनोरंजन की प्रक्रिया नहीं मानते, वे इसे एक पवित्र कार्य और एक पवित्र प्रक्रिया मानते हैं। ये आपके नृत्य से बहुत अलग है, पर शरीर की बहुत ही परिष्कृत हलचलों, भेंटों और जटिल कहानियों को नृत्य के माध्यम से चित्रित किया जाता है। तो मैं आपको कुछ वीडियो भेजना चाहूँगा ताकि आप इससे परिचित हो सकें, या आप इसे वैसे भी इंटरनेट पर देख सकती हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि भारत में हमारे सभी देवता जिनकी पूजा की जाती है वे सभी नृत्य करते हैं। अगर वे नाच नहीं सकते तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते। ये आपके लिए कैसा है? क्योंकि नृत्य आपके शरीर के उल्लास का प्रतीक है। यदि आपकी जीवन ऊर्जा, यदि आपका शरीर आनंदित है तो वो स्वाभाविक रूप से नृत्य ही करेगा। वो नृत्य सांस्कृतिक हो सकता है, पर मूल रूप से नृत्य इंसानी उत्साह की बौछार है जिसमें जीवन ऊर्जा का सैलाब ही ना हो। आप ऐसी हस्ती को ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? तो हमारे सभी देवता नाचते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में बहुत गहराई से समाया हुआ है। पर जब हम भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ एक सा नहीं है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ एक समय में 19,000 से अधिक भाषाएं थीं। अगर आप ड्राइव करें तो हर कुछ किलोमीटर बाद आप देखेंगे कि लोग दिखते अलग हैं, खाते अलग हैं, उनके कपड़े और संस्कृति अलग है, उनका संगीत और नृत्य अलग है। तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं, इन चीज़ों को बचाने के तरीके खोज रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल और फैला हुआ है। पर आज कुछ रूप बहुत अच्छी तरह से, क्या कहें, चलन में हैं। कई युवा उन्हें अपना रहे हैं और उन्हें मंच मिलता है। लोग उन नृत्यों को देखने के लिए पैसे भी खर्च करते हैं। तो इस पीढ़ी में ये नृत्य फिर से जीवंत हो उठे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपका शरीर नाचना नहीं चाहता तो बात ये नहीं है कि आप नाच सकते हैं या नहीं। प्रश्न बस ये है कि क्या आपके अंदर से जीवन ऊर्जा छलक रही है या नहीं। क्या आपसे जीवन ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं, या आप एक ढलते हुए जीवन हैं? तो जिस आयाम को हम नृत्य कह रहे हैं, अगर हम बढ़ती उम्र के बच्चों में
अगर ये आयाम सिखाया जाए तो संतुलन बनाया जा सकता है जैसे वो बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो क्षमताएं हैं और हमारे भीतर जो योग्यताएं हैं, और हर इंसान में जो भी प्रतिभा है वो संतुलन होने पर ही प्रकट हो सकती है। नृत्य कई तरह से आपके संतुलन की परीक्षा है। इसमें सिर्फ शारीरिक संतुलन ही नहीं, आपका भीतरी संतुलन भी तय होता है। संतुलन के बिना आप नृत्य नहीं कर सकते। ये हर संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे वापस लाया जाए, और ये बहुत अच्छा है कि आप अमेरिकन नृत्यों को वापस ला रहे हैं। और मैंने अभी आपका एक छोटा वीडियो देखा, काश कि हम पहले मिले होते। आपको टेनेसी में आकर हमारे केंद्र में आकर प्रदर्शन करना चाहिए, आपको नाचते हुए देखना अद्भुत होगा। मैंने देखा कि उन भारी घंटियों के साथ ये काफी मुश्किल रहा होगा, पर आपने अच्छे से किया। आपको बधाई और मेरा आशीर्वाद। ये संस्कृति वापस आनी चाहिए।